दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो है जहां पर पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा है पिंगलिंग इलाके में, वही दूसरी तस्वीर है मेजर चित्रेश बिश की, जिनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा है श्रद्धांजलि देने के लिए। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करते समय विस्फोट हुआ, जिसमें मेजर चित्रेश सिंह बिश शहीद हो गए। 7 मार्च को मेजर बिश की शादी थी, 28 फरवरी को उनको घर लौटना था, लेकिन वो तो नहीं आए। उनका पार्थिव शरीर यहां पर आया, घर में मातम का माहौल है और वहां पर आप सुन भी सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नौशहरा सेक्टर में बारूदी सुरंग होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे मेजर चित्रेश, उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। एक सुरंग को उन्होंने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर भी दिया था, लेकिन दूसरी सुरंग को निष्क्रिय किया जा रहा था तभी विस्फोट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बाद में वो शहीद हो गए। नियंत्रण रेखा से लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान से आए घुसपैठियों द्वारा ये विस्फोटक लगाया गया था। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।